अगली खबर आ रही है दतिया से, जहां जिले के दूरसड़ा थाना क्षेत्र में इमलिया और बीकर गांव के पास एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं, इसमें से 4 लोग की हालत गंभीर बताई जाती है। 2 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार बालाजी बस सर्विस की बस भंडारे से यात्रियों को लेकर दतिया आ रही थी। गांव बीकर के पास तेज रफ्तार होने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 35 से ज्यादा सवारियां थी। हादसे में करीब 25 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही दूरसड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए दतिया जिला अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कई यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। 4 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण 2 यात्री को ग्वालियर रेफर किया गया है, जबकि 2 को ट्रामा सेंटर के ICU वार्ड में भर्ती किया गया है। दूरसड़ा थाना प्रभारी अमर सिंह गुर्जर ने बताया कि हादसे में 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल से ग्वालियर और अन्य जगह के लिए रेफर कर दिया गया है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।